हाँ जी, तो देखिए हमारे पास तीन वर्ड हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, फर्स्ट, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। अब जैसा कि हमने देखा कि इन वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, किस कॉन्सेप्ट में हम इनको यूज करेंगे वो देखना है। फर्स्ट मीन्स ऑर्डर और पोजीशन, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ऑर्डर और पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, कमिंग बिफोर ऑल अदर इन टाइम ऑर्डर और इम्पोर्टेंस, जो भी है उनके सबके पहले क्रम पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो आएगा उसको हम फर्स्ट यूज करें। फॉर्मर का दो मीनिंग है, हमने क्या लिखा है, एन अर्लियर पीरियड और टाइम, कि पहले के समय की बात कर रहे हैं, फॉर्मल टाइम की बात करें। दूसरा है फॉर द फर्स्ट ऑफ टू थिंग्स मेंशनड, अगर दो चीजें थिंग और पर्सन हो सकते हैं, थिंग और पीपल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, टू थिंग और टू पीपल मेंशनड, अगर दो लोगों की बात की जा रही है तो उसमें क्रम की बात करेंगे, तो जो पहले जिसका नाम लिखा जाएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मल लिखेंगे, सेकेंड वाले के लिए लेटर लिखेंगे, क्लियर। अगला है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब है मोस्ट नोटेबल, जो सबसे ज्यादा नोटेबल है, इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंस की हम बात करें, इस क्रम में हम इन तीनों वर्ड्स को यूज करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, उनमें देखते हैं किस तरह से इनमें डिफरेंस क्रिएट किया जाए, क्लियर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट, फॉर्मर और फॉरमोस्ट, ठीक है ना, हम ये तीन के हिसाब से हम डिफरेंस करेंगे, बाकी आपको एग्जाम में अलग अलग मिलने हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसके मैंने ऑप्शन क्रिएट कर दिए, यहाँ पे मैंने लिखा लिटिल, ऑप्शन बी फॉर्मर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लिखा मैंने, क्यू, ऑप्शन डी लिखा सम, ये इस तरह से क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब यहां फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आवर आवर ब्लैंक एंड ब्लैंक ड्यूटी इज टू सर्व द मदरलैंड, तो इसके ऑप्शन दूं या आप अपने आप आंसर बता सकते हो, बोलिए क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में दो दो एडजेक्टिव, फर्स्ट ही होगा सर, फर्स्ट, दोनों फर्स्ट आएगा, फॉरमोस्ट, हाँ जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि यहाँ किसी ऑर्डर की बात नहीं की जा रही, ऑर्डर की बात नहीं की जा रही ना, और वैसे इनडायरेक्टली देखे तो ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी है, फॉरमोस्ट हम किसके लिए कर रहे हैं, मोस्ट नोटेबल के लिए, और मोस्ट नोटेबल भी है और फर्स्ट भी है, ऑर्डर में भी, सीक्वेंस में भी, अगर इंपॉर्टेंस में देखें तो भी हम उसी को लेंगे, तो क्या होगा आंसर बोलिए, आर आर फर्स्ट एंड एंड फॉरमोस्ट, आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द मदरलैंड, कि हमारी पहली और सबसे उपयोगी जो कार्य है वो क्या है, पता लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, रमेश एंड सुरेश आर ट्विंस बट द ब्लैंक इज टॉलर देन द लेटर, टॉलर देन द लेटर, ये लेटर किसके लिए है, लेटर वर्ड किसके लिए, बाद वाले के लिए सर, सुरेश के लिए, बाद वाला कौन, बाद वाला सुरेश है, सुरेश, तो ये लेटर है, ये बाद वाला सुरेश के लिए आया है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और दो नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं पे, रमेश एंड सुरेश, तो यहाँ क्या होगा, द फॉर्मर, द बोलिए, द फॉर्मर इज टॉलर देन द लेटर, ठीक है ना, ये स्पेलिंग डिफरेंट है, और ये जो स्पेलिंग है कौन सी, एल ई टी टी ई आर, एल ए टी ई आर और एल ई टी टी ई आर, ठीक है ना, क्या लिख दी मैंने, एल ए टी ई आर होगी ना, एल ए टी टी ई आर, हाँ ऊपर वाली और नीचे, हाँ जी, ये तीनों स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है ना, एल ए टी टी ई आर, एल ए टी ई आर और एल ई टी टी ई आर, तीनों का मीनिंग आप खुद ढूंढेंगे और खुद सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पता लग गया आपको। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ही वॉज द ब्लैंक टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम हियर, क्या क्लू मिला इस क्वेश्चन में, क्या क्लू मिला आपको, ही वॉज द ब्लैंक टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम हियर, लास्ट लास्ट क्लू मिला यहाँ हमें, हाँ लास्ट वाला क्लू मिल गया, जैसे ऊपर वाले में हमें क्लू क्या मिला था, ऊपर वाले में क्लू क्या मिला था, लेटर, तो इसका ऑपोजिट फॉर्मर हो गया, तो यहां हमें क्लू मिल गया लास्ट, तो इसका इसमें क्या आंसर होगा, फर्स्ट होगा, फॉर्मर होगा, फॉरमोस्ट होगा,
फर्स्ट फर्स्ट ओवर क्या होगा ही वॉज द फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट. दूसरी बात का एक और ध्यान रखेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब ऑर्डर बता रहे हैं. ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल से पहले चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो लास्ट हो, ठीक है ना, उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे इनसे पहले आर्टिकल द लिखेंगे. तो क्या यहाँ भी आर्टिकल द आना चाहिए. ही वॉज द फर्स्ट टू गो एंड लास्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम हेयर. सिर्फ यही आर्टिकल द आना चाहिए या इसके साथ भी आना चाहिए या एक से दोनों जगह काम चल जाएगा. हेलो सर, एक बात समझ नहीं आई. मैंने ये बोला बेटा, बात ये है यहाँ पे आर्टिकल का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास है, तो मैंने लिखा द प्लस ऑर्डिनल, ओ आर डी आई एन ए एल, ऑर्डिनल, द प्लस ऑर्डिनल. ऑर्डिनल जहां भी होगा उस ऑर्डिनल से पहले हमें आर्टिकल द को ही यूज करना, ठीक है ना. आर्टिकल द को ऑर्डिनल से पहले हमेशा यूज करना हमको. ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर को बताता है. ऑर्डर किसको बताएगा, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है ना, लास्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट ऑपोजिट लास्ट हो गया. तो इनसे पहले अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आता तो आर्टिकल कौन सा आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, द क्वेश्चन द आएगा. okay. तो मैंने ये बोला जिस तरह से मैंने फर्स्ट से पहले यहाँ द मेंशन किया है, तो क्या लास्ट से पहले भी मुझे द लिखना चाहिए या फिर एक से ही काम चल जाएगा दोनों जगह. सर एक से ही चल जाएगा, एक ही लगाना है ना. क्यों लगाना है, एक ही क्यों लगाना है, कंजक्शन कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने एक के साथ ही, ठीक है ना. लिख देंगे दूसरे के साथ भी, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसी की बात करें, ठीक है ना. दोनों के साथ लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है. एंड कंजक्शन को यूज किया है, कंजक्शन का भी ध्यान रखेंगे. द ब्लैंक एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1980. अब देखो सीधा सा आपको क्ल्यू मिल गया, क्या क्ल्यू मिला बताओ फटाफट, क्या क्ल्यू मिला, क्ल्यू क्या मिला, क्ल्यू क्या मिला, द मिल गया. और द आएगा तो फिर क्या आएगा, द आएगा तो क्या आएगा, और ऑर्डिनल इनमें से कौन सा है, फर्स्ट 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 ही. तो पता लग गया आंसर क्या होगा. सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर आपके सामने लिखा गया है, अगर वो होगा तो ये भी आएगा और ये होगा तो ये भी आएगा. श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द ब्लैंक, फिर देखो द आ गया. श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द ब्लैंक पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम. अब यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट क्या, हाँ कंसेप्ट भूल गया, जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया. इसी का फॉरमोस्ट क्यों आएगा वो बता दो कारण इनको. मोस्ट नोटेबल, क्या लिखा था हमने, मोस्ट नोटेबल, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो, सबसे ज्यादा जिसको माना जाए, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो. तो श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द, बोलिए बोलिए क्या लिखेंगे, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम. अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, इसकी जगह श्रीमती भी हटा दिया, श्रीमती नहीं लिखना, ठीक है ना, ये हटा दिया, और इसकी जगह मैंने लिख दिया ये, और फिर मैंने लिखा इज ब्लैंक. अब क्या सही है क्या, या इसको भी बदलना पड़ेगा, क्या ऐसे सेंटेंस बन सकता है, क्या आगे भविष्य में बनेगा, बोलिए. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास डी डी दो बार आएगा ना, हाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम. सही है, कई बात पैरेलल सेंटेंस लिख सकते हैं, श्री आएगा, श्री आएगा, चलो श्री और लगा देते हैं. मैंने श्रीमती हटा दिया, मैंने देखा कोई बता ही दे मेरे को, लेकिन मेरे को किसी ने बताया नहीं, सचिन ने बताया. हाँ हिंदी में सर वैसे ये श्री, तो इसमें मिस्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपन श्री लगाएंगे. अच्छा ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है सर, ये प्रेजेंट में सर. तो फिर इज क्यों नहीं आएगा, इज क्यों नहीं आएगा सर, हिज टाइम लिखा है, इज तो आएगा ना सर. तो हिज टाइम लिखा है, तो हिज टाइम अभी उसका टाइम नहीं है क्या,
अगर हिज टाइम अगर नहीं ऐसा कहीं नहीं है, हिज टाइम में आपको पास को नहीं ले लिया जा सकते, दिस टाइम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हिज टाइम भी पास का नहीं है, हिज टाइम भी पास का नहीं है, वो तो इंदिरा गांधी की बात थी, ठीक है। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, लेकिन द्रौपदी मुर्मू इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो राजनीतिक नहीं है वो, ठीक है ना। अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम पॉलिटिशियन नहीं कहेंगे, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम, क्लियर। तो पैरेलल सेंटेंस आप लिखना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट माई ब्लैंक लैंडलॉर्ड इन द मार्केट, इसमें बताइए क्या है। फॉर्मर, हाँ जी फॉर्मर होगा। तो फॉर्मर से क्या समझ में आया यहाँ पे, एफ ओ आर एम ई आर, क्या समझ में आया फॉर्मर से, पहले डिफरेंस तो पता लग गया ना। हाँ पहले वाले, ठीक है ना। अभी कोई और है, अभी लैंडलॉर्ड कोई और है। हाँ इन अर्लियर टाइम की बात करें, कि जो पहले अर्लियर टाइम में मेरे लैंडलॉर्ड थे उनसे हमने मुलाकात किया, कल मुझे वो मिले, ओके। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं यहाँ पे, तीनों वर्ड के कंसेप्ट हैं वो तीनों अलग अलग हैं, फर्स्ट फॉर्मर और फॉर्मेस्ट, ओके। देखिए हाँ जी, अब देखिए हमारे पास तीन डिटर्मिनर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मच, मैनी, मैनी ए और एन, मैनी ए या मैनी एन। मच लिखा है तो मच के बाद में ध्यान रखेंगे हम हमेशा, हमारे पास नाउन जो होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल उसका हमने क्या लिखा, वॉटर। दूसरी बात, अगर ये फ्रेज हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, किसके प्लेस पे आता है, किसके प्लेस पे आता है, पूरा किसके प्लेस पे आएगा बोलो, सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट। तो फिर वर्ब कैसे, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ में, वर्ब कैसे, पता लग गया ना, कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्यों होगी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्यों होगी, कारण बताओ, सिंगुलर वर्ब क्यों होगी, सिंगुलर नाउन, क्योंकि पूरा पेयर है वो सिंगुलर का काम कर रहा है, वाटर है वो अनकाउंटेबल है, और मच है उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को थोड़े ना बता रहा है। मच किसको बताता है, मच किसको बताता है, किसको बताएगा, क्वांटिटी को, हाँ क्वांटिटी को बताएगा मच। लेकिन मैनी है ये किसको बताएगा, मैनी किसको बताएगा, नंबर को बताएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बुक्स लिखा हमने, तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, कैसा सब्जेक्ट होगा बोलिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और अब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो वर्ब कैसी आएगी बोलो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी आएगी तो क्या आएगी, वर्ब भी आएगी तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ए और एन को भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ही हमने इसके बाद में ए या एन लिखा है, क्या लिखा है, ए या एन लिखा है, तो या ए या एन लिखते ही क्या होगा, इसके बाद जो नाउन आएगी ना वो नाउन कैसे आएगी, ए लिखा है होगी काउंटेबल सिंगुलर, लेकिन साउंड उसकी क्या होगी बोलो, कौन सी साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड होगा, जैसे वहां पर हमने बुक लिखा है, लेकिन जैसे ही एन आएगा तो वहां कौन सी साउंड होगी, वोवल साउंड होगी, और वोवल साउंड वाला ही नाउन वहां पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंजीनियर, क्लियर। जैसे यहां हमने क्या लिखा है, इंजीनियर, समझ में आ गई बात, यहां जैसे इंजीनियर लिखा है यहां हमने बुक लिखा है। तो अब दूसरी बात यह है कि मैनी को देखते ही हमने यहाँ प्लूरल नाउन लगा देते हैं, जो आंसर हमारा इनकरेक्ट होगा, मैनी के बाद में भी ए या एन लिखा है तो नाउन कैसा होगा हमारा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा, क्लियर। पहली बात, दूसरी बात, अगर ये फ्रेज हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, किसके प्लेस पे आता है, किसके प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, हाँ जी सब्जेक्ट के प्लेस पर, मैनी ए या मैनी एन कौन से प्लेस पे आता है,
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।